ये है जूम का H1N वन रिकॉर्डर दोस्तों इसके माध्यम से आप प्रोफेशनल क्वालिटी की स्टीरियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पे और इसकी जो क्वालिटी है वो मैं टेस्ट करूंगा और आपको दिखा दूंगा वैसे इसकी अनबॉक्सिंग अभी करने वाला हूँ फुल रिव्यू बाद में बना दूंगा लेकिन इसका जो थोड़ा सा भी सैंपल ऑडियो आउटपुट का है वो अभी मैं शो कर दूंगा इसका जो बॉक्स है इसके पीछे तरफ आप इसकी डिटेल देख पाएंगे ये कितने देर चलता है इसका कितना बिट है और इसमें कौन सी बैटरी पड़ती आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पर शो गई है नौ हजार दो सौ तैतीस रुपए दोस्तों ऑनलाइन आप चेक कर लेना कम ज्यादा होता रहता है चलिए अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं देसी स्टाइल में कर रहे हैं वैसे यहां पर अभी मेरे पास कोई टेबल वेबल थी नहीं ऐसी मैंने खड़े होके कर दिए चलिए मैंने अभी डिब्बा हटाया इसको हटाया एक एक कवर और है फिर इसके बाद आप एक किताब देख पाएंगे जो कि यूजर गाइड के लिए और सामने एक, एक पॉज के अंदर कुछ आइटम रखा हुआ है चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें है क्या इस रिकॉर्डर का अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो आपको यहाँ पर इसकी किट लेना पड़ेगा किट में सारे सामान मिल जाएंगे दोस्तों ये रहा आपका जूम का एच वन एन हैंडी रिकॉर्डर दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर आपको दिखने का रिकॉर्डर मिल रहा है अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं लेकिन इसमें और सारी कमी भी है यानी कि इसमें केबल केबलेबल है नहीं तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सिस्टम इसका अलग है चलिए अभी हम इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं कैसा है और कहाँ कहाँ क्या क्या, क्या चीजें दी गई हैं उसका यूज क्या है यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की दो बटनस दी गई हैं लाइन आउट का यहाँ पर आप देखेंगे एक जैक दिया गया हैं। कि के है दो माइक दिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यानी कि मतलब जैसे कि आप वीडियो बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं उसमें साउंड इफेक्ट देना है तो आप इस रिकॉर्डर के माध्यम से कर सकते हैं ऊपर एक डायल दिया गया है इससे आप इसकी जो आवाजें हैं वो सेट कर सकते हैं किस बिट रेट पे चलना है और कैसे इसकी आवाज़ सेट करना है लाइन आउट का मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है यहाँ पर आपको हेडफोन लगा देना है और सुन लेना है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे आप स्पीकर से भी सुन सकते हैं यहाँ पर लैन इन का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप अपना माइक्रोफोन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने अपना एक बोया का माइक लगाया था तो वो लगा के हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब इसमें ट्राई स्टैंड इस में आप फंसा करके आप इसमें पॉप फिल्टर लगा के आप बढ़िया सी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लाइक सॉन्ग गा सकते हैं या आप कोई भी पॉडकास्ट कर सकते हैं इसमें सपोर्ट दिया गया है पीछे ट्रिपल ए बैटरी पड़ी है दो बैटरी का सपोर्ट है और चार्जिंग भी सपोर्ट करता है दोस्तों इसका ये था सिस्टम अन्य सिस्टम और है यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ अब आप, आपको यहाँ पर क्या है विंड शील्ड लगाना है अगर आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं तो आप अलग से कर लीजिए या फिर आप ऐसा कुछ सिस्टम हो आपके पास या कोई पुराना फिल्टर रखा हो या कोई आपके पास विंडी सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पर चार बटन्स दी गई हैं इसमें कंट्रोलिंग इसी से है रिकॉर्डिंग का आप ऑप्शन देख सकते हैं रिकॉर्डिंग की बटन एक डेडिकेटेड बड़ी है इसके बाद प्ले पॉज नेक्स्ट स्टॉप का जो ऑप्शन होता वो है नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट है इसके माध्यम से आप चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल पे ऑडियो ले भी सकते हैं यहाँ पर देखेंगे डिलीट का डेडिकेटेड बटन दिया गया जो कि बहुत अच्छी बात है माइक्रो एच का स्लॉट दिया गया है यहाँ पर अब आपको क्या करना है अलग से माइक्रो जो चिप है मतलब कि यहाँ पर आपको अलग से डाल देना की भी डाल सकते हैं सैमसंग की जो भी हो आपके पास इसमें साथ में तो आती नहीं है अगर आप अलग से रखते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसको पावर ऑन करने के लिए ये जो आप बटन देख पा रहे हैं इसको खींच के पीछे रखना है नीचे की तरफ ये ऑन हो जाएगा यहाँ पर नो एस डी कार्ड दिखाई दे रहा है चलिए हम यहाँ पर अभी एस डी कार्ड डालेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं इसको स्विच ऑफ़ करते हैं वही सिस्टम है इसको नीचे को खींच के रखना है और बस ये स्विच ऑफ हो जाएगा चलिए यहाँ पर हम अभी जो माइक्रो एस डी है यानी कि मेमोरी कार्ड है यहाँ पर हम डालने वाले हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग है पूरा आउटपुट है इसी में डाटा सेव हो जाएगा फिर आप इसको लैपटॉप में ले सकते हैं आप जिस तरीके से देख रहे हैं उस तरीके से इस चिप को डालें और धीरे से जाके प्रेस कर दें तो ये एक क्लिक किया आवाज़ जाएगी और सेट हो जाएगी चलिए इसको हम अभी बंद कर देते हैं और हम करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ एक यहाँ पर विंड शील्ड भी लगा देंगे जो टाइट शील्ड है नॉर्मल वाली नहीं है अलग से मैंने एक फ़िल्टर टाइप मंगाया था वो है यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें फ़िक्स कर देंगे फिक्स करने के बाद दोनों आवाज़ आप सुन पाएंगे यानी कि इस विंड शील्ड के साथ और इसके अलावा भी तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी जो आवाज़ है किस तरीके से अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये जे का माइक है अब मैं यहाँ पर स्विच करूँगा आप देख लेना किस तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अभी स्विच करते हैं चलिए ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी एच वन से यानी कि आप इसकी आवाज़ देख पा रहे हैं बिना विंड शील्ड की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो मैं इसकी दूरी रखा हूँ तकरीबन चार इंच के दूरी पे यानी अपने मुंह से मैं चार इंच की दूरी पे स्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है आप बता सकते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें फ़िल्टर लगाऊँगा फिर इसके बाद आप देखेंगे कैसी आवाज़ आएगी चलिए सेम दूरी यानी कि चार इंच पे मैंने अब लगा लिया यहाँ पर जो विंड का फिल्टर है अब यहाँ पर अब इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से आ रही है हो सकता है कि पहले वाले जो आवाज़ थी उसमें कुछ फर्क हो यानी कि आवाज़ में फर्क इतना होगा कि जो पहले मैं बोल रहा था तो थोड़ा हो सकता है मेरे मुंह से जो हवा निकल रही हो उसमें खरखड़ाहट की आवाज़ आ रही हो और इसमें ना आ रही हो दोस्तों इस विंड फिल्टर का यही फायदा रहता है कि इसमें जो आवाज है थोड़ा सा रुक जाती है और सॉफ्ट आवाज आने लगती है दोस्तों इस माइक की आवाज कैसे लगी वो हमें बता दें हम अपने अब ओरिजिनल माइक में स्विच करते हैं आवाज तो भैया ये थी पूरी जानकारी हमारी तरफ से जो हमें पता था और जानकारी रिव्यू में बता दूंगा और इसकी जो रिकॉर्डिंग है डायरेक्ट मोबाइल में कैसी करनी है वो भी बता दूंगा और इसमें क्या क्या अभी जरूरत है वो भी बता दूंगा दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेक अवे टिप्स को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में काम करता हूँ इसी का रिव्यू बनाऊंगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद